नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 26 फरवरी 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। एजुकेशन भास्कर। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 अप्रैल को ही होगी रीट परीक्षा, केंद्रों का निर्धारण। शिक्षा बोर्ड के लिए घाटे का सौदा है रीट, जैन समाज कर चुका है मांग। राजस्थान पत्रिका अजमेर, रीट शिक्षक भर्ती 2021। राजस्थान बेरोजगार संदेश, भर्तियां न होने से बेरोजगारों के आरमान तो अधूरी, परिवारों की सपने भी। 42,000 पदों की भर्तियां अटकी, कैसे मिले बेरोजगारों को रोजगार, जयपुर भास्कर। इन भर्तियों की अभी तक परीक्षा ही नहीं हुई है। पटवारी परीक्षा, जेवीएन सिविल डिग्रीधारी वनपाल एवं वन रक्षक, कॉलेज व्याख्याता, कृषि पर्यवेक्षक, सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कुल पद 9,948। इन भर्तियों का अंतिम परिणाम बाकी, कुल पद 3,763। लाइब्रेरियन, सहायक रेडियोग्राफर एवं अन्य भर्तियां, ये भर्तियां कोर्ट में लंबित, कुल पद 6,551। आरएएस भर्ती, कांस्टेबल भर्ती 2020, इन भर्तियों में पद कटौती पर विवाद, कुल पद 827। स्कूल व्याख्याता, यह पुरानी भर्तियां जिनमें अभी पद खाली, कुल पद 28,087। एनटीटी भर्ती 2018 846, एलडीसी 2013 10,029, एलडीसी 2018, रीट 2016, कांस्टेबल 2018 एवं अन्य भर्तियां। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट के लिए ज्ञापन सौंपा, जयपुर भास्कर। आरपीएससी, रीट एवं कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां, भर्ती में विसंगतियों को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पत्रिका अलवर, एसआई भर्ती 2021, कांस्टेबल भर्ती 2019, रिजल्ट के लिए करना होगा इंतजार, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा पूरे स्टेट की एक मेरिट बनाएं। फैसले के खिलाफ खंडपीठ में जा सकते हैं सरकार या अभ्यर्थी, जयपुर भास्कर। कांस्टेबल भर्ती परिणाम, बिजली कंपनियों में भर्ती का आवेदन शुल्क 400 रुपये घटाया, अब 1,000 से 1,200 रुपये तक ही देना होगा शुल्क, जयपुर भास्कर। भर्तियों में विसंगतियां, बेरोजगार परेशान, जयपुर डेली न्यूज। आरपीएससी, रीट एवं कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियां, 7 साल बाद 356 बेरोजगारों की नियुक्ति का सपना हुआ साकार, जयपुर सादुलपुर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013। पुलिस भर्ती में अनुसूचित जाति को मिले आरक्षण, नवज्योति प्रतापपुर। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामला, विद्युत विभाग की परीक्षाएं आरपीएससी से क्यों नहीं कराते, निजी कंपनी पर मेहरबान क्यों। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने विधानसभा में दिया बयान। जल्द नियुक्ति दिलाने की मांग, नवचयनित स्कूल व्याख्याताओं ने मुर्गा बनकर किया आरपीएससी के सामने प्रदर्शन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 नियुक्ति मामला, अजमेर भास्कर। ग्रेड सेकंड शिक्षक, ऑनलाइन आवेदन के बाद भी दूसरी बार नहीं मिला मौका, बीकानेर भास्कर। एसीए परीक्षा 2018, हॉर्टिकल्चर में 28.65 और फॉरेस्ट्री में 22.68 फीसदी उपस्थिति, अजमेर भास्कर। आरपीएससी शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश जारी, शिक्षक संघ ने दी शुभकामनाएं, नवज्योति बाड़मेर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012-13, 2016 एवं 2018। आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारी भर्ती, एससी एसटी के बैकलॉग पदों को रखा निर्णय के अधीन, नवज्योति
जोधपुर हाई कोर्ट। तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग, शिक्षकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, नवज्योति बाड़मेर। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को जिले के अंदर तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग, शिक्षा मंत्री डोटासरा को ज्ञापन सौंपा, नवज्योति भणियाणा। प्रदेश के 259 प्राध्यापकों को मिली पदोन्नति, नवज्योति जयपुर। स्थानांतरण से बैन हटाने को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन, थर्ड ग्रेड स्थानांतरण, संदेश न्यूज 12। बोर्ड परीक्षा तिथि की घोषणा पर जताया विरोध, संयुक्त अभिभावक संघ ने जताया विरोध, डेली न्यूज जयपुर। नौकरी के साथ अब आराम से करो पढ़ाई, राहत, डेली न्यूज सीकर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई से, डेली न्यूज अजमेर। 12वीं और 10वीं की परीक्षा एक साथ, 10वीं की प्रत्येक परीक्षा में 2 से 4 दिन का अंतराल, डेली न्यूज अजमेर। काम के नहीं पुराने पाठ्यक्रम, नयों को मंजूर की दरकार, डेली न्यूज जयपुर। यूजीसी नेट जून का रिजल्ट जारी, डेली न्यूज जयपुर। सीएचओ भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, राजस्थान पत्रिका जयपुर। AIMS ATM रिजल्ट 2021 वेबसाइट पर घोषित, राजस्थान पत्रिका जयपुर। JW मेंस का तीसरा दिन, दोनों शिफ्ट्स में 12वीं के टॉपिक्स का वेटेज 11वीं के टॉपिक से ज़्यादा रहा, जयपुर भास्कर। NTPC एग्जाम का 5वां चरण 4 मार्च से, अजमेर भास्कर। सीमेट के लिए रजिस्ट्रेशन अभी 1 मार्च तक होगा, IBPS PO के एडमिट कार्ड हुए जारी, जयपुर भास्कर। भारतीय सैन्य शक्ति को तकनीक से करेंगे मजबूत, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे IITs व इसरो। 27 फरवरी से शुरू होगा INMO का ट्रेनिंग कैंप, जयपुर भास्कर। चिकित्सा शिक्षा पहली बार 14 संस्थान खोलने की घोषणा, 5 जिलों में 325 आयुर्वेद व 8 जिलों में 480 प्राकृतिक चिकित्सक हो सकेंगे तैयार, जयपुर भास्कर। JW में दूसरे दिन कैलकुलेटिव व लेंदी रहा पेपर, कोटा। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को राहत, ओपन बोर्ड, पूरक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से, राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर। बेहतर रिजल्ट के लिए परीक्षा से 1 माह पूर्व खत्म होगा कोर्स, नवज्योति उदयपुर। 3 माह की छात्रावास फीस समायोजित, रिसर्च और एमफिल के छात्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय देगा राहत, नवज्योति जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई से, परीक्षाएं एक ही सत्र में आयोजित कराई जाएगी। 10वीं की 25 व 12वीं की परीक्षाएं 29 मई को खत्म होगी, नवज्योति अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय में कोविड विशेष PG परीक्षाएं 5 से, टाइम टेबल जारी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति जोधपुर। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह 26 मार्च को वर्चुअल होगा आयोजन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति जोधपुर। अच्छी खबर, डीग के 25 स्कूलों के लिए 6.25 लाख रुपए स्वीकृत किए, डीग भरतपुर। CBSE ने 10वीं के सैंपल पेपर्स जारी किए, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विज्ञान व अंग्रेजी में बदलाव, श्रीगंगानगर भास्कर। पेरेंट्स को एडमिशन से पहले पता चल जाएगा स्कूल का लेवल, बीकानेर भास्कर। शिक्षा विभाग, तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।